अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रोशे एजिंग्स। क्रोशे एजिंग्स को बॉर्डर्स भी कहा जाता है, जो कि स्वेटर, शॉल या किसी भी क्रोशे की चीज़ के किनारों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आज जो क्रोशे एजिंग हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है सिंपल क्रोशे एजिंग। तो आए शुरू करते हैं। मोस्टली जब भी हम क्रोशे बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन होती है राइट से लेके लेफ्ट तक, ये डायरेक्शन होती है क्रोशे बनाने की। लेकिन इस वाली एचिंग को बनाने के लिए हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आएंगे। सबसे पहले पिछले वाले स्टिच से गुजारना है और एक लूप हमने बना लेना। अब इस लूप को बंद कर देना है। अब हमारे पास एक ही लूप है, नेक्स्ट में से पीछे से गुजारेंगे, अगेन फिर नेक्स्ट में से, अब देखिए इसकी डायरेक्शन हमारी लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आ रही है। इसी तरह हम पूरी लाइन पे ये बॉर्डर बनाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप देखें ये पूरा रफ एंड है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप जैसे शॉल या स्वेटर कोई भी बनाएंगे, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास पैटर्न है, तो उस पैटर्न की जो एजेस होंगी वो इस तरह होंगी, जो कि काफ़ी रफ है, ठीक है। उसे लॉक करने के लिए या बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे हम ये इस तरह की एजिंग बनाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रही है। पीछे से भी ये सेम होगी, आगे से भी सेम होगी और यहाँ से भी ये स्मूथ ही होगी। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। सिंपल है, जो अगली वाला स्टिच है उसमें से एक लूप हम लेंगे और उसे दोनों को एक में शामिल कर देंगे, फिर लेंगे, इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इस लाइन पे एजिंग जहाँ पे है वो कैसा लग रहा है और जहाँ पे एजिंग नहीं है वो कैसा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन या क्रोशे की कोई भी स्पेसिफिक चीज़ या स्टिच सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।